नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। हम वही हैं जो हमारा संकल्प है। हमारे भीतर के संकल्प ही हमको आकार देता है कि हमें क्या बनना है, कैसा होना है, अपने जीवन को किस दिशा में लेके चलना है। इसलिए हमारे संकल्प को लेकर के हमें होश में रहना है। संकल्प की शक्ति से हम आप सभी वाकिफ हैं। कई सारे दृष्टांत हैं इतिहास में, हमारे धर्म ग्रंथों में, कि संकल्प से व्यक्ति क्या नहीं कर लेता है। और साधना इस संकल्प शक्ति को पैदा करने का एक बड़ा सशक्त व्यवस्था रही। हमारे ऋषि मुनियों ने इसको तैयार किया। क्यों? क्योंकि साधना ऐसा तल है जहां आप अपनी परम अवस्था को प्राप्त करते हैं, जहां मन मिट जाता है। और जब मन मिट जाता है तब आपके भीतर की जो ऊर्जा है वो प्रकट होती है, यही जागरण है। और उस ऊर्जा में जो भी संकल्प लिया जाता है वो फलित होता है। और हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं, चाहे ध्रुव हो, प्रहलाद हो, छोटा बच्चा है, उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन साधना से लिया गया संकल्प से उसने परम पद को प्राप्त किया। और हम भी उस साधना के संकल्प को पकड़ सकते हैं। और आज के दौर में जब साधना उस दिव्यता के तरफ नहीं जा पा रही है, कुछ ऐसे साधना के पथ हैं जिसको पकड़ के आप संकल्प की शक्ति को आजमा सकते हैं, उसको मैं आज बताने जा रहा हूं। संकल्प से क्या हो सकता है? आप संकल्प की थोड़ी बहुत मदद से बीमारियों को समाप्त कर सकते हैं, या उसके तरफ अपने इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं कि अमुक बीमारी है, काफी समय से परेशान है, लेकिन संकल्प धीरे धीरे आएगा। और इस संकल्प के लिए जो आप साधना तैयार करेंगे वो आपको पूरी तरह से तैयार कर देता है कि हम उस बीमारी से लड़ सकें, उसको कम कर सकें या उसको मिटा सकें। ये पॉसिबल है। हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उसका भी संकल्प लेकर के उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन वो कार्य सर्वहित हितकारी हो। मेरे देखे एक उदाहरण है, राजमहल के डॉक्टर राजकुमार जी हैं, वो भी वीडियो देख रहे हैं, तो अपने कमेंट को मैं चाहूंगा कि जरूर डालें। उन्होंने संकल्प की शक्ति से जब वो सवासन में इस चीज को प्रयोग किए कि परम जब शांत अवस्था में आ जाते हैं आप, और तब जो संकल्प का बीज आप लेते हैं वो वटवृक्ष बन जाता है। आर्थिक स्थिति उनकी खराब थी, लेकिन संकल्प लेकर के उन्होंने अपनी शक्ति को उस दिशा में लगाया। और आज डॉक्टर हैं, उनके दो सुपुत्र हैं, वो भी आश्रम में आकर के साधना के तरफ गहराई से जुड़ना चाहते हैं। पिता चाहता है कि जुड़े, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि साधना से क्या नहीं हो जाता है। और ये भी उदाहरण देखने में आया कि गलत संकल्प कैसे आदमी को भ्रमित कर देता है। कुंभकर्ण इसका उदाहरण है, निंद्रासन में चला गया, कहां इंद्रासन पाना चाहता था, यानी भौतिक सुविधाओं को, इंद्र यानी भौतिकता, तो भौतिकता को लिया गया संकल्प बेहतर नहीं होता है। यह भी हमारा शास्त्र उदाहरण में देता है। भस्मासुर का उदाहरण है कि उसने संकल्प की शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और अपने भीतर के शिव को ही नष्ट करने की कोशिश की और वह स्वयं नष्ट हो गया। हम सब इसी उदाहरण को जानते हैं। इसीलिए एक प्रयोग है जो आप करें, और वो प्रयोग का नाम है सवासन। कि सवासन में जब शरीर शिथिल हो जाता है पूरी तरह से, उसके वीडियो हैं कमेंट में, मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको आप प्रयोग करके देखिए। एक दिन में घटित नहीं होगा। पहले सवासन आपके जीवन में घटित हो, पहली चीज ये करनी। सवासन की घटित क्या है कि आप साक्षी भाव से देख पाए कि यह शरीर सब हो गया है, डेड हो गया है, यही सवासन है। कि एक देखने वाला है और एक शरीर जो मिट रहा है उसको वो फील कर पा रहा है, ऑब्जर्व कर पा रहा है, विटनेस बन पा रहा है। तो शुरुआत में होता है कि हम शरीर को, अपने ही शरीर को देख नहीं पाते, मन इधर उधर जाएगा, मन की यात्रा है, वो पास्ट फ्यूचर में जाएगा, और शरीर को देखना प्रेजेंट है, वर्तमान में होने की कला है, वो मुश्किल है। इसीलिए शुरुआत में निर्देश का पालन करने के लिए ऐसा वीडियो है, आप उस वीडियो का इस्तेमाल करें। धीरे धीरे मन भागेगा, फिर आएगा, फिर भागेगा, फिर आएगा, इस तरह से अभ्यास से पहले आप सीख पाएंगे
कि हम यहाँ टिक पाए जहां हैं। शरीर को देखना है तो शरीर को ही देखना है, कहीं और नहीं। फिर एक शुरुआती अवस्था में आप नींद में चले जाएंगे, इसकी भी संभावना है। शवासन जागरण है, नींद नहीं है, लेकिन शुरुआत में नींद आए तो भी अच्छा है, वो शरीर को पहले रिलैक्स करेगा। लेकिन हमको हड़बड़ी नहीं करना है। मान लीजिए हम शवासन में लेटे हैं और नींद आ जाए, तो हमको नींद पूरी हो गई, हम उठ के बैठ गए, वो नहीं करना है। आप लेटे रहिए और इस शरीर शून्यता को फील करें कि जैसे शरीर है ही नहीं, मिटा हुआ है, और आपकी सांस सिर्फ चलती हुई नजर आएगी। आप उसको देखते रहिए, देखते रहिए, साक्षी बने रहिए। और इसी साक्षी होने के दरमियान संकल्प घटित हो, और वो संकल्प आपके जीवन के पूर्णता के लिए हो, आपके जीवन के परमानंद के लिए हो, आपके आध्यात्मिक विकास के लिए हो, तो परम हितेशी है। वो आपको तो रूपांतरित करेगा, लक्षावधि जीवन को रूपांतरित कर देगा। और वो ऐसा संकल्प अच्छा है, ऐसा संकल्प नहीं कि एक मर्सिडीज आ जाए, उस संकल्प का कोई खास मायने नहीं रह जाएगा। आप संकल्प शक्ति का एक दुरुपयोग करेंगे। हाँ, अपने जीवन को हीलिंग करने के लिए आप कर सकते हैं। विज्ञान ने भी आज कुछ हद तक इसको माना है, प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। मेडिकल साइंस ने स्वीकार किया है कि आप जो सोचते हैं वो हो जाते हैं। आप अगर एक स्वस्थ आदमी, उसको लगातार कोई आदमी कह रहे बीमार दिख रहे हो, बीमार दिख रहे हो, तो बीमार हो जाए। और उसी का उल्टा, एक बीमार आदमी आप उसको कह रहे कल बेहतर हो, कल से अच्छा हो, स्वस्थ नजर आ रहे हो, वो बेहतर हो जाएगा। ये तो ऊपर ऊपर कहा, ऐसा रूपांतरण हो जाता है जब भीतर में परम शांति हो, उस अवस्था को हम प्राप्त कर सकें जो परम चैतन्य अवस्था है हमारी स्वयं की, तो वो घटित हो जाता है। लेकिन ख्याल रहे, शवासन की डेप्थ में एक दिन में आप नहीं जा सकते, क्रमशः लगेगा, समय लगेगा, अभ्यास लगेगा, एक। और दूसरा, शवासन में डेप्थ में आप तभी जा सकते हैं जब उससे पहले आसन को आपने सही सही तरीके से किया है, सिस्टम से, ताकि प्राण की जो नाड़ियां हैं वो खुल जाए। और प्राण हमारा जितना फ्री होके मूव करेगा, उतना ज्यादा हम शांत और पीसफुल हो पाएंगे। मन जहां यात्रा करेगा तो वो प्राण की ही ऊर्जा को खपत करेगा। इसीलिए अलर्टनेस, अवेयरनेस, ये जागरण करने की जरूरत है, और वो शवासन उसका मौका देता है। इसीलिए पहले आसन प्राणायाम कर लें, और जितना चंद्र नाड़ी आपकी एक्टिवेट होगी, जैसा शिव को हम दिखाते हैं चंद्र उनके सिर पर, उस अवस्था में जो आप प्रेजेंट में रुकेंगे, वर्तमान में होने की जो आपकी हुनर है, तब जो संकल्प लिया जाएगा वो फलित हो जाएगा। लेकिन ख्याल रहे, इस संकल्प में किसी का बुराई का भाव नहीं हो कि आपने किसी शत्रु को समझ रखा है कि वो नष्ट अविनष्ट हो जाए। इस तरह का संकल्प आपका ही नुकसान करता है, इस तरह के संकल्पों से बचना है। भौतिकतावादी मध्यम गति का है, अति उच्च संकल्प है जो परम कल्याणकारी हो, आपके लिए हो और संसार के लिए। तो उस तरह के संकल्प को आप अभ्यास में लाएं, और उसके लिए सबसे पहली कसौटी है कि हम आसन प्राणायाम के बाद जो शवासन की साधना है उसमें गहराई में जाएं, उसमें साक्षी को जन्म होने दें, संकल्प लेने की हड़बड़ी ना करें, साक्षी को पहले जन्म होने दें, विटनेस बने। इवन सोने से पहले भी, जब आप सोने जाते हैं तो इस तरह की अवस्थाओं में जाएं, और ठीक नींद से पहले आप इस तरह की जागरण को घटित होने दें कि अभी जब नींद नहीं आई, आप देखिए कि अब कुछ सेकंड की दूरी और मैं नींद में जा रहा हूं, उस क्षण को अगर आपने पकड़ लिया तो जागरण घना होता जाएगा। तो इस तरह के अभ्यास को आप लगातार कीजिए, जागरण को घटित होने दीजिए, उससे संकल्प शक्ति आपकी बढ़ेगी, और उस परम शांति की अवस्था में जब आपकी पूरी ऊर्जा एक जगह एकत्रित रहेगी, आप संकल्प को घटित होने दें, संकल्प को लें, और वो फलित होगा। बीज संकल्प का बट वृक्ष बनेगा वो तय। तो आसन प्राणायाम और शवासन, इन तीनों का लिंक देता हूं। आप उसको अवस्था में, जैसा कहा जाता है शास्त्रों में, स्थिरम सुखम आसनम, उस हिसाब से अभ्यास कीजिए। बिना प्रयत्न किए आसन को, प्राणायाम को, ध्यान की परम अवस्था का बहाना बनाइए, और संकल्प के तरफ, शवासन के तरफ जाइए। शरीर मिट जाने दीजिए, श्वास रहे, और उस साक्षी की अवस्था में संकल्प के बीज को पनपने दीजिए। आज इस वीडियो में इतना ही। आप
क्या क्या अनुभव हो रहा है अभ्यास करते करते, उसको लगातार कमेंट करते रहिए। 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद मैं मार्गदर्शन करता रहूंगा और उसमें हम चर्चा करके आपको दिशा देते रहेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।